के नागरिक महान। बस यही चर्चा तो हम आप सबके बीच करने आए हैं कि मतदान हमारा अधिकार है। और भैया, जैसे हम अपने सभी अधिकारों के प्रति सचेत रहते हैं ना, वैसे ही मतदान के प्रति भी सचेत रहना चाहिए और जरूर जाना चाहिए वोट डालने, क्योंकि हमारा भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है जहाँ पर लोगों को ये अधिकार होता है कि वे अपना मनपसंद प्रतिनिधि खुद चुन सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं जाते हम वोट डालने? चलिए, ये सब तो ठीक है। अरे भैया, हाँ जरा ये बताओ। अरे हाँ हाँ, तुम ही से पूछ रहे हैं, वोट डाला इस बार कि नहीं? और अगर नहीं डाला तो भैया हम बता दे रहे हैं कि बहुत ही बड़ी गलती की है वोट ना डालकर। आइए एक नाटक के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि वोट कितना जरूरी होता है। अरे भाई, बड़ी जल्दी आ गए।
जल्दी बल्दी का हम तो देख दिया है। अब अरे भाई हमका पता चला हुआ मतदान केंद्र पर मतदान पर यार वोट को हम डाले चले हैं। चलो ठीक है भाई, लगा का पता खेती की तारीफ करना काम, गैया चराओ भैंसी चराओ चारा पानी करो, मुआ तो तुमका खाली पेंट चला भाई। चलो भैया लड़ो नहीं, चलो वोट डालो। और तुम क्या कहा बता, हम तो अपनी बहरा डाली में जो मेला दिखावे जाएगा। चलो भाई आज का काम तो पूरा हुआ, देखो अब भगवान किसका नसीब चमकाता है। क्या जी हाँ, रिजल्ट परिणाम तो चलिए देखते हैं भाई कि भगवान ने किसका नसीब चमकाया, किसको मिली सत्ता की कुर्सी, कौन जीता और कौन हारा। फिर से एक बार धीरज और रमन के माध्यम से चुनाव का परिणाम आगे अभी भी गाना सुन रहे हो यार, और अब देखो इतनी बिजी रहते हो, खुद ध्यान में रखा करो। छोड़ो यार छोड़ो, परिणाम आ गया है। अरे भाई कौन जीता भाई, तुम्हारी पार्टी। अरे वाह यार मेरी पार्टी जीत गई। मेरी बात सुन लो, पहले अब हार गई क्यों शेख यार। और पता है तुम्हारी पार्टी सिर्फ एक वोट से हारी है। हां तुम सही कहते हो, काश मैं वोट करता। हां अगर तुम वोट किए होते और तुम्हारी पार्टी जीत जाती और जो खुशी है ना तेरे पे दुगनी हो जाती यार। सही कहते हो यार, मैं अगली बार क्या दुखी होने जरूरत नहीं है, अगली बार जब भी मतदान हो सबसे पहले जाके वोट डालना, अपना प्रतिनिधि स्वयं चुन लेना। सही कहते हो, चलो ठीक है आओ। तो पछताना पड़ा, कहीं आपको भी पछताना ना पड़े, इसलिए आज से खुद से ये वादा कर लीजिए कि अब से जब भी मतदान होंगे अवश्य जाएंगे मतदान करने, क्योंकि हमारा देश एक लोकतंत्रात्मक देश है, अर्थात जहाँ पर जनता को खुद ये अधिकार होता है कि वो अपना प्रतिनिधि स्वयं चुन सके। और हाँ एक बात और, अगर हम किसी भी पार्टी को किसी भी प्रकार का वोट नहीं करते हैं तो हमारा कोई अधिकार नहीं होता है कि हम उस पर आरोप या अंकुश लगाएं। हमारे देश में 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी होता है वोट डालने का, तो इसलिए हमें अपने भारत का नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों का वहन करना चाहिए और मतदान करने अवश्य जाना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत में आज प्रजातंत्र है, सभी को सभी अधिकार प्राप्त है, पर सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने अधिकारों का सही प्रयोग कर रहे हैं, क्या हमारे अधिकारों के पीछे जो हमारे कर्तव्य हैं उनको हम निभा रहे हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जिस भारत देश की खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं उसी भारत देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं जिनको निभाना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ मैं बात कर रही हूँ मतदान की, जो आज भारत देश में एक मुद्दा बनकर ही रह गया है। एक तरफ तो हम अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा हुआ और बहुत हाई सोसाइटी का मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अपने पढ़े लिखे होने का सबसे बड़ा सबूत मतदान डालने में गलती कर देते हैं, यहाँ तक कि कहूंगी मतदान डालते ही नहीं है। यदि हम आज किसी शिक्षित व्यक्ति से पूछे मतदान के दिन के विषय में तो उसका पहला उत्तर होता है कि छुट्टी का दिन है, पर वो ये भूल जाता है कि वो मात्र एक छुट्टी का दिन नहीं है बल्कि एकमात्र ऐसा दिन है जो 5 सालों बाद आया है और जिसको वो आंकड़ों 5 साल के आंकड़ों को ध्यान में रखकर मतदान डालने जा रहा होता है। यदि हम किसी एक अन्य व्यक्ति से पूछें तो उसका पहला उत्तर यही रहता है कि ये झूला चौका ही हमारी दुनिया है और इसी के चारों ओर हमारी खुशियाँ, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर मतदान नहीं डालेंगे तो ये झूला चौका नहीं रहेगा और संभवतः खुशियाँ तो बहुत दूर की बात है। यदि हम किसी व्यक्ति से पूछें तो उसका ये भी उत्तर रहता है कि हम तो छोटे इंसान, हमें क्या अधिकार है राजनीति में हाथ डालने का, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिस दिन उन्होंने भारत भूमि पर जन्म लिया है उसी दिन से उन्हें भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि हम मतदान नहीं डालते, हम मतदान बिल्कुल डालते हैं, तभी तो जो मतदान पहले 50% से कम था वो आज 65% से भी अधिक है, जिसमें स्त्रियों का स्थान अधिक रहा है। हमारा कर्तव्य सिर्फ इतना नहीं कि हम मतदान डालें, बल्कि मतदान को दान के रूप में ना डालकर इस प्रकार मतदान करें जो हमारे देश की व्यवस्था और शासन व्यवस्था के दोनों के लिए बहुत उचित रहे। अंत में मैं कहना चाहूंगी मतदान हमारा परम कर्तव्य है, कर्तव्य से जो पीछे हटे असभ्य है, मतदान डालकर चुनेंगे सही सरकार जो करेगी हमारे कष्टों को निराधार, जो करेगी हमारे कष्टों को निराधार। धन्यवाद। अपने अधिकारों को तुम पहचानो,